हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कांचीपुरम का पूरा रिव्यू करेंगे। यदि हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। दोस्तों, कांचीपुरम ये पूर्व से आयुर्वेदिक दवा है। इसका इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यह रात को सुबह शाम स्फूर्ति में रखता है। दोस्त, बात किया जाए इसका यूजेज का, अगर आप काफ़ी दिनों लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के शिकार हैं, आपका हेडेक यानी सर दर्द कर रहा है, या हाइपर एसिडिटी, आपका बहुत ज़्यादा गैस बना यानी छाती में जलन हो रहा है, तो आप कैन बी टेकन विदाउट हार्म। आप इसका इस्तेमाल करें, इसका यह आपकी बॉडी पर कोई हानिकारक नहीं पहुँचाएगा। बात किया जाए तो मैनुफैक्चरिंग का, ये सेट भरदस्त कंपनी बनाती है। इसका एड्रेस होता है 30G ITC और उसके बाद विथलवाड़ी भावनगर 33400 गुजरात, इंडिया। टोल फ्री नंबर है 1800-419-0809। इसका फीडबैक, अगर ये चूरन से पीने से आपको कोई दिक्कत होता, परेशानी होता, कोई साइड इफेक्ट होता, या बहुत बढ़िया काम करता, तो आप इसके कांटेक्ट पे, इसके फीडबैक पे आप जो भी आपको करना वो कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, लेकिन पुरानी कब्ज, एसिडिटी, सर दर्द, आँखों का जलन, हाथ पैरों में जलन, त्वचा रोग, छाती में जलन और पित्त विकारों के लिए कांचीपुरम बहुत फायदेमंद है। रात को सोते समय सुबह पेट साफ हो जाता है और सारा दिन ताजगी और स्फूर्ति देता है। बात किया जाए तो इसका इस्तेमाल कैसे करना, देख लीजिए। लिखा हाफ चम्मच से दो चम्मच तक तासीर अनुसार पानी में साथ रात को सोते समय लें, यानी आप जितना चूर्ण मिला रहे हैं उसके हिसाब से 50 ml 100 ml आप पानी मिला लीजिए। इसके बाद एकदम से मिक्स करिए। घोल बनाने के बाद जब एकदम गल जाए तो इसको आपको पीना है। उसके बाद आप देखेंगे सुबह जब आप जगेंगे तो आप जो टॉयलेट जाते, बाथरूम जाते, आपका टॉयलेट बाथरूम बहुत साफ़ होगा। जो कब्ज होगा, धीरे धीरे कब्ज ख़त्म हो जाएगा। छाती में जलन, एसिडिटी जो होता है, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन आप कांचीपुरम, अगर कोई गर्भवती महिला, तो प्लीज़ गर्भवती महिला इसका इस्तेमाल ना करें, हो सकता है साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो प्लीज़, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।